इस गेम में प्लेयर्स को कुछ चॉइसेस दी जाती हैं जिसके आधार पर स्टोरी आगे बढ़ती है। प्रस्तुत कहानी मेरे किए चॉइसेस पर आधारित है। कहानी है पूर्वी यूरोप से आए पत्थर दिल, युद्ध की आग से तपकर, जिंदगी में काफी दुख दर्द झेलकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने आए एक शख्स की, जो पहुंचा है उम्मीदों के शहर लिबर्टी सिटी में। इस शख्स का नाम है निको बेलिक। निको, माय कज़िन, आई कांट बिलीव इट, यू आर हियर, वेलकम टू अमेरिका। निको शहर में अपने खुशमिजाज, हंसमुख और आशावादी कजन रोमन के पास आता है, जो द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम जी रहा है। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियाँ, लड़कियाँ, पार्टीज, ढेर सारा पैसा वगैरह वगैरह। लेकिन निको को जल्दी पता चल जाता है कि ये सब एक ढकोसला था। असल में वो एक कैब डिपो में काम करता है, एक गंदे खस्ता हाल अपार्टमेंट में रहता है और भारी कर्ज में डूबा हुआ है। कैब डिपो में रोमन की गर्लफ्रेंड मैलोरी भी काम करती है, जिस पर इसी कैब डिपो के मालिक व्लैद की गंदी नजर रहती है। व्लैद उन लोगों में से एक है जिनसे रोमन ने भारी कर्ज लिया हुआ है। एक दिन रोमन निको को मैलोरी को लिफ्ट देने के लिए भेजता है। वहां उसकी मुलाकात मैलोरी की फ्रेंड मिशेल से होती है, जो निको में दिलचस्पी दिखाती है। दोनों जल्द ही डेटिंग करने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। I'm not a local in Liberty City. I came here from somewhere. Where? पैसा ना चुकाने की वजह से कई लोग रोमन की जान के पीछे पड़े होते हैं, जिनसे निको रोमन को बचाता है। जब व्लैद को यह पता चलता है तो वो निको को कुछ काम करने को कहता है ताकि रोमन पर किए एहसान को वसूल कर सके। मजबूरी में निको इसके लिए तैयार हो जाता है। Sure! इसी बीच निको की मुलाकात होती है रोमन के दोस्त और रेगुलर कस्टमर लिटिल जेकब से, जो एक जमैकन ड्रग और वेपन डीलर है। जेकब निको को उसकी एक डील में ले जाता है, लेकिन जेकब पर हमला होता है और निको जेकब के साथ मिलकर हमलावरों को मार गिराता है। फिर जेकब को सुरक्षित उसके अड्डे पहुंचाता है और यही दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों आगे चलकर कई मिशंस को अंजाम देते हैं। दूसरी ओर रोमन और निको को पता चलता है कि व्लैद ने मैलोरी के साथ रात गुजारी। निको गुस्से में रोमन के साथ व्लैद को मारने निकल पड़ता है। अपने आखिरी पलों में व्लैद चेतावनी देता है कि उसका बॉस मिखाइल उसे नहीं छोड़ेगा और निको उसे गोली मार उसे किए की सजा देता है। रोमन वहां व्लैद की डेड बॉडी देख घबरा जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि व्लैद के रिश्ते काफी खतरनाक और ताकतवर लोगों से हैं, जो उसके कातिलों को नहीं छोड़ेंगे। तभी अचानक निको रोमन को अमेरिका आने का असली मकसद बताता है। जब वो आर्मी में था तब उसे 15 साथियों के साथ एक मिशन पर भेजा गया था दुश्मनों के एक दस्ते को खत्म करने, पर उन्होंने किसी पर गोलियां नहीं चलाई सिवाय एक के, क्योंकि सब पहले से प्लान्ड था। इस मुठभेड़ में 12 मासूमों की जान गई और 3 बच निकले, जिसमें से एक निको था। बचे दो लोगों को वो पिछले 10 साल से ढूंढ रहा है बदला लेने के लिए, और उनमें से एक गद्दार लिबर्टी सिटी में रहता है। रोमन को जिसका डर था वही होता है। व्लैद के बॉस का आदमी निको और रोमन को किडनैप कर अपने अड्डे ले जाता है। ये है दिमित्री रास्केलोव, मिखाइल का साथी। और ये है मिखाइल फॉस्टिन। व्लैद की मौत का अफसोस किए बिना अब मिखाइल निको को उसके लिए काम करने को कहता है और बदले में रोमन की जिंदगी का सौदा करता है। जल्दी खुलासा होता है कि मिखाइल एक बेहद सनकी गर्म दिमागी इंसान है और ज्यादा नशा करने की वजह से अपने काबू में नहीं। इसी के चलते
दिमित्री और मिखाइल के बीच बेहद तनाव है और जिसकी वजह से उन्हें अपने बिजनेस में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। I said, get out of my side! दूसरी ओर रोमन निको को रूसी से मिलवाता है। रूसी एक लग्जरी कार शोरूम का ओनर, फिटनेस फ्रीक और स्टेरॉइड जूस में डूबा हुआ खुद का फेवरेट इंसान है। कार्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी होने के कारण रूसी निको को स्ट्रीट रेसिंग की दुनिया से वाकिफ कराता है, जिससे निको को एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मौका मिलता है। कुछ ही दिनों में मिखाइल के कहने पर निको कई लोगों को मार डालता है, जिसमें मिखाइल की गलत फहमी का शिकार लेनी पेट्रोविच भी है। लेनी शहर के सबसे ताकतवर रशियन गैंगस्टर केनी पेट्रोविच का बेटा है। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए जाहिर तौर पर अब केनी मिखाइल को मारना चाहता है। दिमित्री निको को बताता है कि भले ही लेनी का कत्ल उसके हाथों हुआ हो, पर अगर निको ही मिखाइल को भी मारे तो केनी उसकी जान को बख्श देगा। ये कहकर दिमित्री फैसला निको पर छोड़ देता है। You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bellic, but we cannot change the rules. Niko जल्दी पेरोस्ट्राई का क्लब पहुंचता है मिखाइल को खत्म करने। मिखाइल को दिमित्री की गद्दारी रास नहीं आती और उसके बॉडीगार्ड्स निको पर गोलियों से हमला करते हैं। मरने से पहले मिखाइल बताता है दिमित्री ही असली फसाद की जड़ है और निको भी जल्द इसका शिकार होगा, और इसी के साथ मिखाइल पोस्टिन की मौत हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद दिमित्री निको को एक गोदाम में आकर अपने पैसे ले जाने को कहता है, लेकिन जेकब निको को फोन कर दिमित्री से सावधान रहने को कहता है। उसे दिमित्री के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते और गोदाम में साथ चलने को कहता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। गोदाम पहुंचने पर दिमित्री निको को उसके गुजरे वक्त के बारे में पूछता है, जब उसने इटली में लोगों की तस्करी की और उसी दौरान गड़बड़ी के चलते अपने बॉस को भारी नुकसान करवाया, और वो बॉस है मिस्टर बुल्गरीन। निको अपने आप को बेकसूर बताता है और कैसे उसने किसी तरह अपनी जान समंदर तैर कर बचाई, लेकिन बुल्गरीन यकीन करने से इनकार कर निको की जान लेने को कहता है। जेकब की मदद से निको गुंडों को मार गिराता है, पर किसी तरह दिमित्री और बुल्गरीन वहां से भाग निकलते हैं। परेशान और गुस्साया निको दिमित्री के पलटवार की खबर रोमन को देता है। रोमन उसे संयम से काम लेने को कहता है। दोनों घर की तरफ चल देते हैं, जहां रोमन निको को कुछ खास चीज दिखाना चाह रहा होता है, लेकिन अपार्टमेंट पहुंचने पर और कैब डिपो, not my home, not my business, nothing. They took it all. I'm sorry, Roman. I'm really sorry, but we have to go. ये सब देख रोमन पूरी तरह टूट जाता है और भड़ास निको पर निकालता है। बातों बातों में वो ये भी बताता है कि वो खास चीज एक खूबसूरत अंगूठी थी। वो मैलोरी को शादी के लिए पूछने वाला था, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं बचा। इसी तरह रोमन अपने आप को संभालता है और दोनों मैलोरी के कजन के घर पहुंचते हैं कुछ दिन छिपने और मामला ठंडा करने के लिए। सब कुछ खो देने के बाद पैसा कमाने के लिए मैलोरी निको को मैनी और एलिजाबेटा से मिलवाती है। मैनी अपने इलाके के सभी ड्रग डीलर्स का सफाया कर अपनी एक अच्छी इमेज जनता के बीच बनाना चाहता है। एलिजाबेटा एक प्योर्टो रिकन ड्रग महारानी अपनी डीलिंग्स में निको को प्रोटेक्शन देने का काम सौंपती है। You know about this business. एलिजाबेटा के द्वारा ही निको की मुलाकात पैट्रिक मैक्रियरी और प्लेबॉय एक्स से होती है। प्लेबॉय छोटी गलियों से निकला बड़ा ड्रग डीलर है जो आज अमीरों की जिंदगी जी रहा है। निको प्लेबॉय के लिए भी पैसे के लिए काम करने को तैयार हो जाता है। I need money. This pays. I can do it. I don't care if I live or die. And I'm looking for someone. एक दिन एलिजाबेटा का गुस्से में फोन आता है और जल्द मिलने को कहती है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि जेकब के बताए कुछ आदमियों ने एलिजाबेटा को ठगने की कोशिश की और पुलिस उसके पीछे लगा दी। निको मामला अपने हाथ में लेते हुए चुराए हुए कोकेन को वापस बरामद करता है। पुलिस से पीछा छुड़ाने पर जेकब उसे एक जगह मिलने को कहता है, क्योंकि उसे दाल में कुछ काला नजर आता है, और जब वहां पहुंचता है, Hey Jacob, what are you doing here? This is no place.
place for you, Michelle. As it happens, it is. Michelle खुलासा करती है कि वो एक undercover government agent है और Nico पर नजर रखना उसका काम है। मिशेल जिनके लिए काम करती है उन्हें Nico जैसे ही किसी की जरूरत है और वो उसे जल्द कॉल करेगी जब और जहां जरूरत पड़े। ये क्या है, वो बरामद कोकेन लेकर चली जाती है। Nico एलिजाबेटा से मिलने पहुंचता है जो पुलिस का शिकंजा अपने ऊपर कसा होने के कारण पूरी तरह घबराई होती है। दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने मैनी और उसका कैमरामैन होता है। मैनी उसे ये गंदे काम बंद करने को कहता है। एलिजाबेटा तेज नशे में होश खो दोनों पर गोली चला देती है। इसके बाद Nico एलिजाबेटा से दूर रहने का फैसला करता है। Nico, it's Patrick McCreary. You and me did some work for Elizabeth Torres together? Patrick Nico को कॉल कर घर बुलाता है साथ काम करने के लिए। उसके घर पहुंचने पर Nico की मुलाकात होती है McCreary फैमिली के कुछ सदस्यों से। पैट्रिक McCreary एक आयरिश गैंगस्टर और जो जल्द ही Nico का अच्छा दोस्त बन जाता है। केट McCreary, McCreary भाइयों की छोटी बहन, और मॉरीन McCreary इनकी माँ। दूसरी ओर फ्रांसिस McCreary एक भ्रष्ट डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर Nico को ब्लैकमेल करता है खुद के काले कारनामे मिटाने को और बदले में Nico के काले कारनामों को नजरअंदाज करने का भरोसा दिलाता है। इसी बीच मिशेल जिसका असली नाम कैरन है Nico को अपनी खुफिया एजेंसी में बुलाती है जो अपने नकली नाम यूनाइटेड लिबर्टी पेपर से जानी जाती है। यूएलपी में कैरन का बॉस Nico को उनके लिए काम करने पर मजबूर करता है। इसमें ऐसे अपराधियों को मारना शामिल है जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अगर काम करने से इनकार किया तो वो उसका नाम FIB वालों को सौंप देंगे और उस पर आपराधिक मामला आगे बढ़ाया जाएगा। कोई और रास्ता न होने के कारण Nico तैयार हो जाता है लेकिन बदले में वो उन दो आदमियों का पता मांगता है जिन्हें वो इस शहर में ढूंढ रहा है। परेशान मैलीर बताती है कि रोमन कल रात से घर वापस नहीं आया। उसे लगता है कि रोमन को कुछ रशियंस ने पैसा ना देने की वजह से किडनैप कर किसी गोदाम में रखा है और उसी वक्त Nico को मैसेज आता है जिसमें बेसुध रोमन पर बंदूक तानी दिखाई देती है और मैसेज और किसी का नहीं बल्कि सारी हद पार कर चुके दिमित्री का होता है। इसकी वजह से Nico के दिल में दिमित्री के खिलाफ नफरत की आग और तेज हो जाती है। गुस्सा है Nico जल्द उस गोदाम में पहुंच सभी को गोलियों से भून रोमन को सही सलामत बचा लेता है। Nico, please help me! Thank you, cousin. You saved my life. We should get out of here. घर पहुंचने पर Nico रोमन को जुए की लत छुड़ाने की सख्त हिदायत देता है जिससे वो और कर्ज में ना आए। रोमन भी Nico को रशियन से दूर रहने की सलाह देता है ताकि और मुसीबत गले ना पड़े। जल्द ही रोमन इंश्योरेंस के पैसों से अपना बिजनेस फिर शुरू करता है और साथ ही शहर के अमीर इलाके में दोनों के लिए एक आलीशान पेंट हाउस खरीदता है। उधर पैकी के कहने पर Nico केट को डेट पर ले जाता है। केट बताती है कि उसे अपने बिगड़ेल भाइयों के दोस्तों के साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता लेकिन वो Nico का साथ पसंद करती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं पर केट एक अच्छी दोस्त होने पर जोर देती है। पैकी Nico को घर बुलाते हैं अपने अगले मिशन में हिस्सा लेने के लिए जिसमें वो बड़ा हाथ मारने वाला है और वो बड़ा हाथ है बैंक ऑफ लिबर्टी में डकैती। घर में पैकी अपने बाकी दो भाइयों से मिलवाता है। डेरिक McCreary जो हाल ही में आयरलैंड से वापस लौटा है। जेरल जेरी McCreary, McCreary गैंग का लीडर। पैकी डेरिक माइकल और Nico निकल पड़ते हैं डकैती को अंजाम देने। डकैती के दौरान उनके साथी माइकल को गोली लग जाती है और वो जान गंवा देता है। Thank you.
लेकिन आखिर में पुलिस से बचते बचते सभी ये बड़ी चोरी करने में कामयाब रहते हैं और नीको को अपने हिस्से के $2.5 लाख मिलते हैं। नीको से इंप्रेस होकर जेरी उसे अपने लिए काम करने का प्रस्ताव देता है। इस काम में वो शहर के दो बड़े गैंग्स एंसेलाटी और अल्बेनियंस के बीच झगड़ा लगाना चाहता है, जेरी के बॉस जिमी पेगोरिनो के कहने पर। पैट्रिक के जरिए ही नीको की मुलाकात रे बचिनो से होती है। रे जिमी पेगोरिनो के माफिया फैमिली का कप्तान और एक अच्छा दोस्त है। रे नीको को कचरा उठाने का काम सौंपता है, पर वो कोई मामूली कचरा नहीं बल्कि उस कचरे की थैलियों में करोड़ों के हीरे हैं जो रे की पत्नी ने एक बाइकर गैंग को कहकर चुराए थे। नीको और रे के कुछ आदमी हीरो से भरी कचरे की थैलियां उठाकर अपने ठिकाने सुरक्षित रख देते हैं। नीको रे को फोन कर बताता है कि हीरे की हिफाजत उसके आदमी कर रहे हैं। अब इतने हीरे देख किसका मन न ललचाए। रे नीको को उसके आदमियों की गद्दारी के बारे में बताता है और उनसे हीरे बरामद करने भेजता है। वो लोग चकमा देने की सोचते हैं पर आखिर में नीको सबको मार हीरे बरामद कर रे को वापस कर देता है। कुछ वक्त बाद जब वो रे से मिलने पहुंचता है तो दोनों के बीच अनबन होती है। रे परेशान होता जा रहा था करोड़ों के हीरे अपने पास रखने से, जिसकी वजह से उस पर किसी भी वक्त हमला होने का आसार था। पर नीको भी रे पर एहसान कर करके थक गया है। वो चाहता है कि वो उसे पूरा आश्वासन दे कि वो उस आदमी को ढूंढ निकालेगा जिसे नीको इस शहर में ढूंढ रहा है। दोनों एक दूसरे की बात से सहमत होते हैं और नीको निकल पड़ता है हीरो के बदले पैसे लेने। नीको बाइकर गैंग के मेंबर जॉनी क्लिबिट्स के साथ मिलकर हीरो को बेचने पहुंचता है, पर डील खराब हो जाती है और अफरा तफरी में कैश जॉनी भाग ले जाता है और हीरे कोई और। जल्दी पता चलता है कि जॉनी ने ही धोखा दिया था। उधर रे भी वादे के मुताबिक उस शख्स का पता ढूंढ निकालता है जिसे नीको ढूंढ रहा था। वो रोमन के साथ उसके घर पहुंचता है उसे जान से मार डालने उसकी गद्दारी के लिए। लेकिन फ्लोरियन अब वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले था। फ्लोरियन ने शहर में आने के बाद अपना नाम बर्नी क्रेन रख लिया एक नई शुरुआत करने के लिए। फ्लोरियन को लगा कि दगाबाज नीको या तीसरा शख्स होगा। इससे इतना साफ हो जाता है कि असल दगाबाज वो तीसरा शख्स डार्को ब्रेविच था। दूसरी ओर रोमन फोन कर नीको को खुशखबरी देता है कि उसने मैलोरी को प्रपोज किया है और दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। नीको भी बधाई देकर उसे केट के बारे में बताता है। ये सुनकर रोमन खुश हो जाता है और केट को इनविटेशन भेजने की बात करता है। रे नीको को अपने दोस्त फिल बेल से मिलवाता है। रे की ही तरह फिल भी पेगोरिनो का करीबी है। फिल के लिए काम करने के बाद और उससे इम्प्रेस होकर वो नीको की सिफारिश जिमी पेगोरिनो से करता है। You Nick? Come on. So, will you file it? I don't think so. I mean, आखिरकार नीको की मुलाकात होती है डॉन जिमी पेगोरिनो से। I know enough about you, your cousin, your friends. I know a lot of people around you end up in jail. Some maybe. But that's the same all over town. This is a dying game. अब वो सीधा पेगोरिनो के लिए काम करना शुरू करता है और धीरे धीरे उसका ही भरोसा जीतने लगता है। उधर जेरी मैक्रेरी को कई इल्जामों में पुलिस पकड़ लेती है। जेरी जेल के अंदर से ही नीको को पैट्रिक के साथ मिलकर डॉन जियोवानी एंसेलाटी की बेटी ग्रेसी को किडनैप करने को कहता है। ग्रेसी को किडनैप कर वो जियोवानी से हीरो की फिरौती मांगता है। ग्रेसी और हीरो की अदला बदली हो ही रही होती है कि तभी बुल्गरीन वहां आ धमकता है। बुल्गरीन फिर एक बार नीको पर चोरी का इल्जाम लगाता है क्योंकि वो हीरे उसके हैं जो जियोवानी ने उससे चुराए थे, और ये कहकर अपने आदमियों को दोनों को भून देने को कहता है। इस गोलियों की बौछार में
फिर एक कचरे के चलते ट्रक में जा पहुंचते हैं और हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं। पैट्रिक गुस्सा और निराश दोनों होता है क्योंकि इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी उसे कुछ हाथ नहीं लगता। निको उसे हीरो को भूल जाने को कहता है क्योंकि जब से हीरो का किस्सा शुरू हुआ है तब से सिर्फ मुसीबत ही उनके हाथ लगी है। I'm sorry. Or maybe the thugs who failed to kill me should be blamed, though. Pegorino गुस्से में पागल होता जा रहा है क्योंकि उसका पर्सनल बॉडीगार्ड एंथनी पुलिस का आदमी निकला। Pegorino एंथनी को जान से मार डालने को कहता है, जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है हार्ट अटैक आने की वजह से। Sorry about that, Anthony. Tell Peg. I'm sorry. हॉस्पिटल में निको एंथनी को हमेशा के लिए सुला देता है। We got real problems. Police are all over us. Somebody's talking. Pegorino के ऊपर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और उसका शक भी बढ़ता जा रहा है कि उसका ही कोई आदमी पुलिस की मदद कर रहा है। Nico, I've been thinking about it and I want you to pay our friend Ray a visit. काफी सोच विचार के बाद Pegorino की शक की सुई रे बचीनो पर जा रुकती है और उसे भी खत्म करने का आदेश दे देता है। खुफिया एजेंसी यूएलपी आखिरकार अपना वादा पूरा करती है निको की फाइल बंद करने से पहले। यूएलपी का बॉस बताता है कि उन्होंने डार्को ब्रेविच, वो शख्स जिसकी उसे तलाश थी, को ढूंढ लिया है और जल्द लिबर्टी सिटी में लैंड करने वाला है। निको बिना किसी देरी के रोमन के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है ये किस्सा खत्म करने और अपना बदला लेने। You remember me? I don't know you. Yes, you do. I'm the one who survived. Nico Darko से पूछता है कि उसने गद्दारी क्यों की, जबकि वो सभी लोग बचपन के साथी थे। और जवाब? A thousand. You killed my friends for $1,000. How much did you charge to kill someone? उसे $1,000 मिले थे सबको मार डालने के लिए। लेकिन उसे अंदर ही अंदर इसका अफसोस भी है और अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है। वो निको को उसे गोली मारकर आजाद करने की मांग करता है। अब डार्को ब्रेविच की किस्मत निको के हाथ थी और निको वहां से बिना कुछ कहे उसे उसके ही हाल पर छोड़ देता है जिंदगी भर पछतावा करने के लिए। जिसे वो पिछले 10 साल से ढूंढ रहा था, निको उसे मार नहीं पाया क्योंकि इसे मारने से कुछ बदलने वाला नहीं था। निको ने समझा कि मरना आसान है, जीना मुश्किल। Pegorino निको को एक आखिरी काम करने के लिए बुलाता है। Pegorino चाहता है कि वो एक हेरोइन एक रशियन को बेच दे और वो रशियन कोई और नहीं दिमित्री रास्कलाव है। दिमित्री का नाम सुनते ही निको सीधा सीधा मना कर देता है और Pegorino उसे अपने एहसान गिनवाता है और मोटी रकम देने का वादा करता है। निको इसकी जानकारी रोमन को देता है क्योंकि फिर एक बार उसका पाला दिमित्री से पड़ने वाला था। रोमन निको को इस डील को अंजाम देने को कहता है क्योंकि इसमें रकम ज्यादा है और वो और भी अमीर हो सकते हैं। वो केट से भी इसकी सलाह मांगता है और जवाब में वो उसे लालच में ना आने को कहती है। अब फैसला निको के हाथ होता है, या तो वो डील कर बदले में ढेर सारा पैसा ले ले या दिमित्री से अपना बदला। और निको चुनता है दिमित्री से बदला। निको प्लैटिपस जहाज पर पहुंचता है, वही जहाज जिस पर वो इस लिबर्टी सिटी में आया था। I have been looking forward to killing you for so long, Raskolov. सभी गुंडों को मारते हुए आखिरकार दिमित्री से आमना सामना होता है। Now you're paying for it. Shame that will be the second last thing that goes into your head. Goodbye. Nico गोली मार दिमित्री रास्कलाव से अपना बदला पूरा कर लेता है। I killed Dmitri. It's over. He was on the platypus.
The boat I arrived in Liberty City on. So it seems it ends where it began. I guess you Nico, today is going to be the happiest day of my life! I'm getting married to the beautiful Mallory! How is the best man? He's fine. Roman फोन कर Nico को याद दिलाता है कि कल उसकी शादी है और वक्त पर तैयार होकर आने को कहता है। अगले दिन Nico केट को लेकर चर्च पहुंचता है। रास्ते में वो उसे बताता है कि उसने पिछले कुछ दिनों में अपनी जिंदगी बदली है। वो अब ड्रग्स, माफिया और खतरनाक लोगों से दूर होकर अच्छे लोगों से घुलना मिलना चाहता है, एक आम जिंदगी जीना चाहता है, उसे खुश और सुरक्षित रखना चाहता है। जवाब में केट कहती है कि उसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। चर्च पहुंचने पर इस खुशी की घड़ी में शामिल होने के लिए रोमन और Nico के सभी करीबी दोस्त वहां मौजूद होते हैं और जल्द ही रोमन और मैलोरी शादी के बंधन में बन जाते हैं। लेकिन पेगोरिनो She's dead. What? Oh shit. Shit, shit. सदमे में Nico पुनः एक दिन अकेले में ही बिताता है। Nico, I had woman at phone with that rascal Pegorino. Jacob उसे बताता है कि उसने Pegorino के आदमियों का पता लगा लिया है जो उसे उस तक पहुंचा सकते हैं। पीछा करते करते जेकब, रोमन और Nico पेगोरिनो तक पहुंच जाते हैं। Nico जेकब और रोमन को वहां से चले जाने को कहता है खुद पेगोरिनो से निपटने के लिए, और क्योंकि वो केट के बाद रोमन को भी खोना नहीं चाहता, पर रोमन और जेकब उसकी मदद करना चाह रहे होते हैं इसलिए वो उसे तैयार रहने को कहते हैं। Nico को अपने मौत के रूप में वहां देख पेगोरिनो भागने की पुरजोर कोशिश करता है। I told you to leave me alone. I got the orders here. Me. भागते भागते वो हैप्पीनेस आइलैंड पहुंचता है जहां Nico केट की मौत का बदला जिमी पेगोरिनो को गोली मार कर लेता है। और इसी के साथ Nico और रोमन की जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो ये थी कहानी वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ ऑल टाइम, क्रिटिकली अक्लेम्ड GTA 4 की। कैसे Nico Bellic अपनी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ एक नई शुरुआत करने उम्मीदों के शहर लिबर्टी सिटी में पहुंचता है, लेकिन उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता, और कैसे वो इस अनजान शहर में माफिया और अंडरवर्ल्ड के चंगुल में दलदल की तरह फंसता ही चला जाता है, जहां पैसा तो है पर जानलेवा खतरा भी। सफर में उसे कई नए और पुराने दुश्मन तो मिलते ही हैं, पर जेकब, रूसी, पैट्रिक, केट जैसे दोस्त भी जो कदम कदम पर उसका साथ देते हैं, और सबसे खास उसका कजन रोमन। इस एंडिंग के बाद भी Nico की बात रोमन और पैट्रिक से होती है। कुछ दिन बाद रोमन कॉल पर बताता है कि मैलोरी प्रेग्नेंट है और अगर लड़की हुई तो वो उसका नाम केट रखेंगे। दुख में डूबा हुआ केट का भाई पैट्रिक भी Nico को कॉल करता है। वो कहता है कि मैक्रीरी फैमिली के मर्दों ने जीवन भर गुनाह किए
पर सजा मासूम केट को मिली। GTA 4 मेटाक्रिटिक की ऑल टाइम बेस्ट वीडियो गेम्स की लिस्ट में 98 स्कोर के साथ 14 साल बाद भी तीसरे नंबर पर काबिज है। ये बहुत बड़ी बात है। ये गेम बताता है कि क्या कीमत है द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम की। तो आपको कैसी लगी GTA 4 की कहानी कमेंट्स में जरूर बताना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।